हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के अमरपुर भट्टा कॉलोनी में रहने वाले मजदूरों ने गांव के सरपंच पर बड़ा आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर प्लॉट खरीदा था, जिस पर सरपंच अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डीटीपीओ विभाग ने मकानों पर नोटिस जारी कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि सरपंच गांव के जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करता है, लेकिन सरकारी विभाग सब कुछ देखते हुए भी चुप्पी साधे हुए है। अवैध कब्जा है जी, सरपंच अपनी दबंगाई से और प्रशासन की मिलीभगत से ये मतलब जो अवैध कब्जे करा रहा है। हमने जो वीडियो के भी, एसडीएम साहब के भी, डीसी साहब के भी और मुख्यमंत्री को भी वो दे दिया, पर कोई भी अधिकारी आता नहीं है। डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाते हैं तो डीसी साहब उसको वीडियो को मारक करता है और वीडियो जो सेक्रेटरी को भेज देता है बस खाली, जो कि सेक्रेटरी तो सरपंच का एक मतलब जो क्राइम में मतलब जो सहायक बराबर का होता है। आई सुन और कोई मतलब डीटीपीओ ने कोई कार्रवाई नहीं, ये मतलब एक डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाई थी हमने, उन्होंने डीटीपी के लिए लिखा था, ये हमारे पास में एक लिखा हुआ है, सरपंच वहाँ पे लिख के देख आया था कि भाई आज के बाद में कोई भी अवैध कब्जा नहीं होगा। आज 10 दिन से कम 50-60 मतलब जो लेबर के मतलब जो आदमी लग रहे हैं और धड़ल्ले से चिनाई हो रही है ना, और हमने मतलब जो भी 5-7 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई है, डीसी साहब के भी लगाई है, मुख्यमंत्री को भी मतलब जो किया है, अभी तक भी कोई भी अधिकारी यहाँ पे चेक करने को आया नहीं। यहाँ पर ज्यादा करके परेशान करें, 3-4 बार आ चुके और आगे पीछे जो मकान बन रहे हैं उनके पास कभी भी नहीं जाते हैं, पूछते भी नहीं है कि तुम कैसे मकान बना रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, हमें लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ये 5-6 बार आ चुके और नोटिस ये दे रहे थे कि कल जिसका कागज ले मतलब नाम से था उनको दे के गए नोटिस। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? वही कि सब लोग इकट्ठा होके वो लोग वहाँ कोर्ट में पेश हो जाओ, आ जाओ, यही सब बता रहे थे।